खुशी की बात है एक्टर बोल के उनको जो भी क्रेडिट है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। अभी ये इनका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सब बड़े सेक्सी कर रहे हैं, वेरी गुड। एंड मैंने फिल्मों में क्या किया वो तो आप सब ध्यान नहीं है, जानते हैं ना, पिक्चर पर नजर क्या है नहीं सब जानते। हाँ देखिए तो बोल रहे हैं और सारी जिंदगी पर साड़ियाँ खींचता रहा, दुपट्टे खींचता रहा और उसी पे मेरे 50 से 55 साल पूरे हो गए। भाई नसीब वाले हैं, नसीब वाले हैं। अभी आपको बोला शेयर करता है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए। सुन रहे हैं पीछे वाले, सब सुन रहे। किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए जिंदगी भर का ये याद सफर किसके लिए। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेबस्टर सिने अवार्ड्स को आई रियली विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स टू श्री जॉय मुखर्जी हु पर्सनली इन्वाइटेड मी फॉर दिस इवेंट एंड आई हैव वर्कड विद श्री जॉय मुखर्जी टू in the film called Nachaniya. It was a great film and I really wish कि आप सब इस मूवी को देखें और बताएं कि मूवी कैसी है। and otherwise Suja have done lot of movies so yeah thank you. So I'm very happy Mr. Ronnie Roderick is a new showman, and fantastic man, a very simple man. एक सिंपल आदमी का मिलना इस स्टैच्यूर के ऊपर और इस मैगज़ीन के ऊपर सिनेबस्टर, इट्स वेरी प्रेस्टिजियस मैगज़ीन एंड रॉनी लॉड्रिक इज़ अ फैंटास्टिक मैन। आई एम सो हैप्पी एंड प्लस माय डियर ऑल यू फ्रेंड्स एंड मुंडे जी, रमाकांत मुंडे, जिन्होंने ये सब उनके साथ रह के मिल मिला के आप सब लोगों ने, यू आर लाइक ए फैमिली टू मी शैलेश, यू आर ए फैमिली टू मी एंड every one of you is a family to me. It's always fantastic to be in front of you and wishing you all the best. God bless. Is tarah ki mehfilein chalti rahe aur is tarah ke award aate rahe, felicitation hoti rahe, usse kya dil bhi laga rehta hai aur bahut acha bhi lagta hai, बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि कोविड के बाद में ये महफिलें, ये रंगीनियाँ, ये लाइट्स, सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सुजॉय जी को ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके इनविटेशन पे मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर की और ये मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करना मेरे लिए सचमुच बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मुझे बैठने और उनके साथ बात करने मिलेगी और उन्हें इतने करीब से देखने मिलेगा, ये तक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। थैंक यू। लिए कि सोने से और हीरे से रिलेटेड ट्रॉफी दी जा रही है, वो भी बाहर इंटरनेशनल लेवल पे। मैं कांग्रेस करती हूँ ऐसी टीम को जो इतना बड़ा इंडिया के लिए इतना बड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है और ऑल द बेस्ट। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। वेरी हैप्पी फॉर सिनेबस्टर्स प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये एक ऐसा अवार्ड है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जो हमारी ही इस इंडस्ट्री के लोगों को एक मान सम्मान देना चाहते हैं। सो आई ट्रूली फील दैट सच अवार्ड्स शुड ऑलवेज बी एनकरेज्ड एंड द पर्ल ग्रुप ऑफ द कंपनीज़ जो इस अवार्ड्स को कर रहे हैं और सिनेबस्टर्स के जो हमारे आदरणीय हमारे डियर एडिटर साहब हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक। एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट दीज अवार्ड्स आफ्टर पेंडेमिक एक ऐसा जोश लोगों में लेकर आएंगे जो मैं समझता हूँ कि इट विल इंस्पायर देम टू पार्टिसिपेट इन दीज अवार्ड्स। ख़ास तौर से मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मैं समझता हूँ कि एक हमारा जो रोल होता है जब हमें अवार्ड्स दिया भी जाता है और एक एडवाइजरी पैनल के चीफ के हिसाब से बुलाया भी जाता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जाती है एंड आई स्ट्रांगली फील जिन लोगों को अवार्ड मिलेगा उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं क्योंकि वो ट्रूली डिज़र्व करते हैं। और जो शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अवार्ड ना भी मिल रहा होगा, नेवर माइंड, इट्स ऑलवेज ए प्लेजर एंड ए थाट आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आई विश सिनेबस्टर्स अवार्ड ऑल द बेस्ट। चीयर्स, कीप इट अप। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए सिनेबस्टर्स मैगजीन है, मैगजीन तो हमने बहुत देखी, बड़ी बड़ी देखी, ये नई मैगजीन है, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो इन्होंने कदम लिया है अवार्ड देने का, सिनेबस्टर अवार्ड्स, तो अच्छा है। और सुना कि मेरे को भी कुछ अवार्ड देने वाले आज तक तो कभी मिला नहीं, आज तक तो गालियाँ मिली, जैसे हिरन को पकड़ते थे, कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे तो वैसे ही होता था, बस अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है। एंड आई विश माई दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट। So Joy is like a kid to me. Thank you. And I've worked with his father. And I don't know, I might work with him also very soon. Yes. Yeah. And I'm here after a long time because of COVID. I've not been going out, and this is a very pleasant moment for me. Yes, ek film shuru karne ja raha hu, Kalpvriksh. So I have a very nice role for Ranjit ji, so I will soon go to him. He has worked, इन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया है, लेट श्री जॉय मुखर्जी। फिल्म का नाम था छेला बाबू। पिताजी के साथ, इनके चाचा जी के साथ, इनके सबको सबके साथ थे, पूरा फैमिली, टोटल फैमिली थी। एंड आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग इट एक्चुअली। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, I think so I should break the news today. मैंने एक तमिल फिल्म साइन की है and it's going to be a beautiful re-entry of mine in Tamil industry. So I'm very happy with my production house is Marika Arts. I hope you all see that in theaters, not on OTT. Thank you. फैमिली टू मी, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, उनके बच्चों को जानता हूँ, वाइफ को जानता हूँ। आई जस्ट फील सो हम्बल टू बी हियर। ही इज़ ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव इज एवर टेकन एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। वेल, अवार्ड महंगा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो, एंड अवार्ड जो होता है उसके साथ में उसका एक वेटेज आता है। एंड नाउ विद द गोल्ड एंड द डायमंड्स फर्दर मोर वेटेज हैज कम, सो आई जस्ट विश एवरी वन हू इज गोइंग टू विन दिस ट्रॉफी ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट वुड लाइक टू बी ऑनर्ड टू बी हियर एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द विनर्स ऑफ द अपकमिंग प्रोजेक्ट is I'm doing Sarojini, a biopic on in Pan India, yeah, in 4 languages, that is Kannada, Hindi, Telugu and Tamil. Well, मेरे थिएटर के काफ़ी फंक्शन थे, आप लोग हमेशा देखते ही हैं and keep seeing, I'll always keep dancing.